नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंथन। आज मैं क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ यानी CBSE की क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं, क्योंकि क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चे बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी एग्ज़ाम की कापी कब चेक होगी, मतलब जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसकी कापी कब चेक होगी और साथ ही उनका रिजल्ट कब आएगा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो HRD मिनिस्टर है श्री पोखरियाल जी, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ की जो कापियां हैं वो संडे से मतलब 10 मई 2020 से ये प्रोसेस जो है, ये एविलेशन प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाएगी। ये न्यूज़ जहां से मैंने ली है वो है हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि आप जानते ही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार देखिए यहां पे लिखा है, CBSE टू एवेल्यूट आंसर शीट ऑफ क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ फ्राम टुमारो एज MHA गिव्स नोट। तो यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम में बाकायदा लिखा हुआ है कि आंसर शीट जो है वो कल से मतलब संडे से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आप नीचे भी देख सकते हैं लिखा है, आंसर शीट विल बी मूव्ड फ्रॉम 3000 डेजिग्नेटेड स्कूल्स टू द रेसिडेंस ऑफ क्वालिफाइड एवेल्यूएटर्स हु विल मार्क देम फ्रॉम होम एंड द प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट इन 50 डेज। देखिए यहाँ पे लिखा है अपडेटेड 9 मई 2020। अगर इस न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो CBSE ने 3000 स्कूल को चिन्हित किया है, 3000 स्कूल को मार्क किया है कि वो इस प्रोसेस को यानी कि जो एवेल्यूशन प्रोसेस है इसको 50 दिन के अंदर कंप्लीट करें। जैसे कि नीचे लिखा है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब CBSE इज सेट टू रोल द प्रोसेस ऑफ एवेल्यूशन ऑफ आंसर शीट फ्रॉम संडे एज अ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज गिविन इट्स नोट टू HRD मिनिस्ट्री प्रपोजल इन दिस रिगार्ड। मतलब HRD मिनिस्ट्री ने जो प्रपोजल दिया था उस प्रपोजल को मानते हुए वे CBSE ने ये प्रोसेस कल से स्टार्ट करेंगे, मतलब संडे से स्टार्ट करेंगे। इसकी प्रोसेस किस टाइप की रहेगी, तो आंसर शीट विल बी मूव्ड फ्रॉम 3000 डेजिग्नेटेड स्कूल्स टू द रेसिडेंस ऑफ अ क्वालिफाइड एवेल्यूएटर्स हु विल मार्क देम फ्रॉम होम एंड प्रोसेस इट एक्सपेक्टेड टू द कम्प्लीट इन 50 डेज। मतलब 3000 स्कूल्स में ऑलरेडी कापी पहुंचा दी गई है, आंसर बुक पहुंचा दी गई है। अब वो 3000 स्कूल्स हैं वो क्वालिफाइड एवेल्यूएटर्स मतलब क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं जिसको कापी चेक करेंगे उनको मार करेंगे और वो कापी जो है एवेल्यूएटर्स के घर तक पहुंचाई जाएगी और उन कापीज को उस पूरी प्रोसेस को पूरा करने में 50 दिन का समय लगेगा। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस साल यानी 2020 में 10वीं क्लास के करीबन 18 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और 12th क्लास के 12 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। अगर पूरी आंसर शीट की बात करें, 10th और 12th दोनों की आंसर शीट को अगर मिला दी जाए तो करीबन 1.5 करोड़ कापियाँ रहेंगी, 1.5 करोड़ आंसर शीट रहेगी जिनको कि 50 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट करना है, चेकिंग करना है। 10th और 12th के करीबन 29 ऐसे सब्जेक्ट है जिनका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है। ये एग्ज़ाम भी 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में ले लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो प्रोसेस है पूरी वो 50 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, 50 दिनों के अंदर अंदर वो रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो 20 से 25 जुलाई या खूब से खूब 30 जुलाई तक रिजल्ट के आने की पूरी संभावना है। तो कैसा लगा ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंथ को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।